नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पिछले 3 वर्षों से आर्मी भर्ती का आयोजन नहीं होने के कारण युवाओं में निराशा। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 3 वर्षों से आर्मी भर्ती का आयोजन नहीं होने के कारण युवाओं में निराशा दिख रही है, जिसके चलते आज आक्रोशित युवा SDM अनूपगढ़ के माध्यम से रक्षा मंत्री को आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं की RJ13 एकेडमी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी अनूपगढ़ विधानसभा के अस्कर अली, हरीश भानुशाली, राहुल सिंह, अमन फौजी, आकाश, अमित फौजी, अरवाज इत्यादि युवाओं के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिनमें मुख्य रूप से जल्द आर्मी भर्ती करवाने और जो समय सरकार के कारण खराब हुआ है इतने समय की आयु में छूट देने की मांग रखी। कि हमारे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं युवा साथी, जो फ्यूचर में हमारे देश को संभालने वाले हैं, इन लोगों के साथ में सरकार ये दोगला व्यवहार क्यों कर रही है, इस बात पर हमें सख्त से सख्त और जल्द से जल्द जवाब चाहिए। ये जो उनके लिए जल्द से जल्द ये जो भर्ती का मार्ग है ये खोला जाए और जिन साथियों की इस निकम्मी सरकार के कारण 3 साल खराब हो गई, जो 3 साल में भर्ती नहीं निकली इसके कारण वो ओवरेज हो चुका है, उसको एज के अंदर छूट दी जाए। अगर ये सब इसके अंदर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स और रिलेशन के अंदर जाके सेंटर के अंदर जाके मतलब भर्ती देके आए थे, उनका फिजिकल और मेडिकल फिट है पर उनका 3 साल से कोई पेपर नहीं हुआ, तो मैं रक्षा मंत्रालय से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आर्मी भर्तियाँ करवाई जाए और 2 साल की प्रॉपर छूट दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने आक्रोशित रैली निकालकर केंद्रीय रक्षा मंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। रामगढ़ अलवर, आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे सैकड़ों युवाओं ने रामगढ़ कस्बे में आक्रोशित रैली निकालते हुए SDM कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री के नाम का SDM कैलाश चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि कोरोना काल में 2 वर्षों से आर्मी की भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण हजारों युवाओं ने जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे उनका जीवन अंधकार में हो गया है, क्योंकि इन 2 सालों के दौरान काफ़ी युवा जो आर्मी में जाने के इच्छुक थे और दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे वह उम्र दराज हो चुके हैं। इसीलिए भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती खोलने वे कोरोना काल के 2 साल के वंचित युवाओं की उम्र में छूट प्रदान करने की मांग को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से आर्मी की भर्ती पर रोक लगने के कारण हजारों की संख्या में युवाओं उम्र दराज होने के कारण भर्ती से वंचित हो चुके हैं, इसीलिए युवाओं में भारी आक्रोश है। युवाओं ने आक्रोशित रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे युवा सुंदर गुजर ने बताया कि 2 वर्षों के कोरोना काल की वजह से युवाओं का जीवन अंधकार में हो गया है, क्योंकि आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं को उम्र दराज होने का काफ़ी सदमा पहुंचा है, इसीलिए केंद्र सरकार के प्रति युवाओं में भारी आक्रोश है। आज आक्रोशित रैली निकालकर केंद्रीय रक्षा मंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा, साथ ही चेतावनी दी कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो लाखों की संख्या में युवाओं द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसके जिम्मेवार सरकार खुद होगी। नीम शर्मा, 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं बिना भर्ती देखे और जो रिटर्न एग्जाम भी नहीं लग पा रहा है अभी आर्मी का, तो जल्दी से जल्दी भर्ती कराई जाए। हमने आज रामगढ़ कस्बे में जो रैली निकाली है, अगर कुछ भी नहीं किया समाधान तो अगली बार आक्रोश रैली या फिर आंदोलन किया जाएगा। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। सुंदर गुजर, मैं कक्षा
बीए पास कर चुका हूँ और भर्ती 3 साल से नहीं हो रही है। हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, पूरे रामगढ़ कस्बे में रेल निकाली है, यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम आंदोलन रोकेंगे। हमने अभी तक एक भर्ती नहीं देखी है, हम पूरी बिना भर्ती देखे ओवरेज हो चुके हैं।